ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 18 जनवरी 2021, मंडे है, सुबह के 8:23 हो रहे हैं। पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का सैटरडे। इंडिया में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, दुनिया के मोस्टली ज़्यादातर जो मेन कंट्रीज है वहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया। हालांकि यूएस में फिर भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाई लगाकर 14,600 के लेवल को टच करके फिर से एक छोटा सा करेक्शन दिखा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। तो क्या ये करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से और डीपर हो सकता है, कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स है ये देखेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। तो ये है निफ्टी का फ्राइडे का सिनेरियो, यानी 15 जनवरी आफ्टर मार्केट RSE ऐसा कुछ दिख रहा था। तो फ्राइडे का अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 14,620 और ब्रेक डाउन लेवल बना रहा था 14,560। तो ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ ये रेंज के बीच में ओपन हुआ, और जैसे ही साउथ की तरफ मूव हुआ ब्रेक डाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 14,542 ये अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 14,525 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। और पूरे दिन जैसे ही ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो एग्जैक्ट हमारा जो फर्स्ट टारगेट का लेवल था इसी के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और फिर ये जोर से टूवर्ड साउथ की तरफ और तेजी से आया। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले US मार्केट फ्राइडे को देखे तो नासडैक करीब 114 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में भी दबाव देखने को मिला था। अभी ये जो बजट आने वाला है 2 हफ्ते के बाद आने वाला है, और अभी Q3 के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं, तो एक मार्केट एक वोलाटाइल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो कॉशियस रहना होगा मार्केट से पहले, लॉन्ग पोजीशन बनाते वक्त अगर हायर हाइज के ऊपर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे या फिर लॉन्ग पोजीशन के लिए हम जा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट हमें दिखा सकता है बिफोर बजट। एशियाई बाजार देखे आज तो SGX निफ्टी में भी दबाव देखने को मिल रहा है, 42 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। जापानीज इंडेक्स भी 200 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर को देखे तो यहाँ पर अभी ये जो इसने बोरिंग कैंडल बनाया था इसका हाई इसने ब्रेक नहीं किया, और एक साइडवेज पैटर्न में जाकर फ्राइडे को इसने एक रेड कैंडल बनाया। हालांकि ये स्ट्रांग रेड कैंडल नहीं है, एक मिड टर्म जैसा एक मॉडरेट बियरिश कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे तो आप देख सकते हैं एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बना है। लेकिन अगर इसने ये जो प्रीवियस स्विंग हाई जो है इसको ब्रेक कर दिया तो ही डाउ फ्यूचर यहाँ से ऑल टूवर्ड साउथ की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो US मार्केट में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में जैसे कि हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को एज पर स्विंग हाई लो पकड़ के ड्रॉ किया था, उसका 250% का लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हुआ, और फ्राइडे को एक ओपन के नीचे आकर रेड कैंडल यहाँ पर बनते हुए नजर आया। ये जो स्विंग हाई बना था उसके बाद कंटिन्यूस हायर हाइज हमें वीकली चार्ट में देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर एक डोजी जैसा कैंडल बनाया है, जहाँ पर ओपन हुआ था मंडे को फ्राइडे को ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास आकर ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये लो को ये ब्रेक कर देता है, ये स्पिनिंग टॉप इसे कह सकते हैं, या फिर एक शूटिंग स्टार जैसा, एक्यूरेट शूटिंग स्टार या फिर स्पिनिंग टॉप नहीं बन रहा है ऐसा उसके जैसा कह सकते हैं। अगर कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से और निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ आता है। कंफर्मेशन के लिए
अगर हम पास्ट डेटा को देखें तो ये देखिए ये डोजी जैसा पैटर्न बना और उसके बाद ही ये रेड कैंडल बना है। जब तक रेड कैंडल के बाद उसका कंफर्मेशन नहीं मिलता, ये रेड कैंडल बना है, फिर इसका लो जो है ये ब्रेक कर दिया है इस कैंडल ने और ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला है। तो उसी तरह अभी भी ये रेड कैंडल बना है और उसके बाद आने वाला कैंडल अगर इसका लो ब्रेक करने में फेल होता है तो और भी अपसाइड मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस समय काफ़ी फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल काफ़ी एक्यूरेट साबित हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बना है वीकली चार्ट में, इसका लो अगर ब्रेक होता है, सस्टेन करता है इस वीक में इसके नीचे, तो और यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी काफ़ी बुलिश है, प्रॉफिट बुकिंग भी हर एक नए लेवल्स के ऊपर देखने को मिल रही है। डेली चार्ट पर चलते हैं। यह डेली चार्ट, डेली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज़ किया था डेली चार्ट में, जो स्विंग हाई लो मिल रहा है उसको पकड़ के, तो 14,605 का लेवल इसने टच किया, लेकिन इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था। इसके ऊपर बार बार पेनेट्रेट हो रहा था ये लेवल और इसके नीचे आके ये क्लोज हो रहा था। तो अभी फ्राइडे को एग्जैक्ट इसने 123.6% का ये जो लेवल था 14,346, ये जो पास्ट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जो लेवल पास्ट में रेजिस्टेंस का काम करती है वो आगे जाके फ्यूचर में सपोर्ट का काम करती है। तो 14,346 अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में हमें 20 EMA में, जहाँ पर 100% का लेवल आ रहा है 14,114, ये नेक्स्ट सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है निफ्टी इंडेक्स में। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो है। फिलहाल चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ आता है और जो ये लेवल है जहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था कुछ दिनों पहले, तो फ्राइडे को इसने इस गैप को फिल कर दिया है, तो फिर से ये जो गैप का इनिशियल लेवल था यानी 14,386, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,367। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 14,348, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो जहाँ पर ये अगर पास्ट में अगर आप देखें पीवट पॉइंट का आज सबसे पहला रेजिस्टेंस हर्डल का लेवल है, इसके ऊपर यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये आप देख सकते हैं आप आर्ली चार्ट में क्लियरली। तो 14,469 का ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,490, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये जो 20 EMA का लाइन आप देख रहे हैं, एक छोटा सा सेकेंड टारगेट होगा 14,507, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।